अरे मारा राम जी, अब फिर से मौका मिल गया अपने पूरे परिवार के साथ। लेकिन इस बार संध्या और सूरज को नष्ट करने वाले हो। वो तो है, आप है ना दिल के किसी कोने को जरूर छेड़ देते हो। बहुत ही बहुत कमी महसूस होगी मुझे, क्योंकि ये पहला परिवार अवार्ड है जिसमें वो मेरे साथ नहीं है। बट उनकी यादें, उनका साथ हमेशा मेरे पास है और वो हमेशा रहेगा। अच्छा बाबू, कनक नई सोच के लिए नॉमिनेट हुई है बाबू, हाँ खुश हूँ। वो ठीक है, नई सोच है उनकी, छोरे छोरियों की, हमारे को कुछ फर्क ना पड़े। हाँ बाबा साहब किसी और लड़की के साथ बैठे होंगे। अब देखो ना, मैं इतनी तैयार होकर के बैठी हूँ, इसीलिए तो इंतजार कर रही हूँ कि जल्दी आए तो हाथ पकड़ करके ना बाजू में ही बिठाती हूँ। हाँ ऐसा तो नहीं कि भूल गए हो आपको आज भी? हाँ, भूलने की बीमारी तो हो ही गई है उनकी। हे भगवान, जब भी तो लाल कपड़े पहन करके घूम रही हूँ कि मैं भी इन्नी हूँ, भी इन्नी हूँ, याद रखना मारे को। थैंक यू, राम राम, हे मारा राम जी। It's wonderful. It's a very funny story, I'll tell you. The first Star Parivar Award जब हुआ था तब मैं कहानी घर घर की में काम करती थी एज श्रुति, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर स्टार परिवार अवार्ड, जो मुझे नहीं मिला था। और आफ्टर 17 ईयर्स के बाद फिर से स्टार परिवार अवार्ड हो रहा है, एंड आई हैव बी नॉमिनेटेड अगेन दिस टाइम एज अ लीड एक्ट्रेस फ्रॉम अ शो ऑफ स्टार, और आई विल ऑल्सो बी परफॉर्मिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, नंदिनी को हमेशा से हैवी ज्वेलरीज वगैरह पहनती थी, इस बार क्या है खास? इस बार आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट बाय डिजाइनर्स एनी एंड निमू, और कीपिंग द मुंबई समर एंड बिकॉज इट्स अ सनसेट इवेंट इन माइंड, सो मुझे थोड़ा लाइट रखना था। आई बिलीव दैट मिनिमलिस्टिक जितना होता है आई थिंक इट लुक्स बेटर, सो फॉर मी आई वॉन्ट टू कीप इट मिनिमलिस्टिक बट ऑल्सो फॉर्मल, एंड दैट्स वाई आई चोज दिस कलर विच इज़ बिटवीन बेज एंड गोल्डन। और आगे जब आप एक्ट में देखेंगे यू विल फाइंड नंदिनी अगेन ऑन द एक्ट। बहुत दिनों बाद सर, मेरी क्वेश्चन, बहुत मज़े करने वाली हूँ। अभी एक हफ्ते 10 दिन से रिहर्सल्स ही चल रहे हैं, कभी वो स्टूडियो आ रहे हैं, कभी हम यहाँ टेक रिहर्सल्स के लिए आ रहे थे, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आज पूरा जो स्टार्स का परिवार, जितने किरदार हैं, जितने एक्टर्स हैं, डिफरेंट टीम्स, हमारी टीम, सब लोग आज आने वाले हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी एक्साइटिंग इवेंट। Yeah.
व्हाई मतलब ये क्यों सोचा आपने फॉर द रेड कार्पेट? इंडो वेस्टर्न, डिडन्ट वांटेड टू वेयर इंडियन, डिडन्ट वांटेड टू वेयर वेस्टर्न, सो बीच में रह गया एज यू कैन सी दैट। अच्छा नागार्जुन में आप नागिन नहीं थे लेकिन इस बार फिर से नागिन प्ले? आई थिंक साहब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है एंड बेसिकली आई थिंक आई फ्रॉम नागपुर, तो माई मॉम इज लाइक साहब तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? सो पता नहीं यार, साहब से पूछना पड़ेगा। आई थिंक यू प्रे टू मच विद द स्नेक, दैट्स व्हाई। अच्छा हाउ इज इट फीलिंग टू प्लेइंग दैट कैरेक्टर इन चंद्रनंदिनी? ओह इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई लव प्लेइंग विशाखा, इट्स वेरी नाइस। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर लविंग इट और नॉट, आई होप आप लोगों को भी पसंद आ रहा हो, बट इट्स ओह इट्स डैम नाइस यार, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। अच्छा वही वाला है जिसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इनिशियली बिकॉज आई डोंट हैव पावर, बट देन स्लोली स्लोली आई गॉट यूज्ड टू इट, इट्स नाइस। शादी के बाद जिंदगी कितनी बदली? आई थिंक ग्लो ज्यादा आ गया नहीं? से यस यार, ग्लो ज्यादा आ गया। आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट आई हैव आफ्टर वेडिंग। या थैंक यू, थैंक यू, बाय। Oh, it's lovely. I think it's my first star parivar and it feels great. Yeah, I'm looking forward to the show. Acha koi nomination kuch hua aapko? Nahi, I think the show is too new for being nominated now. It's just been a month, so I'm just here to cheer our show up, be a part of the function with the other star members, people, and cheer for my colleagues today. I can't see Aastha yaar, I think hum ruke the kafi time se, I think she must be in. The rest of the team is coming, so I think हम सब अंदर मिलेंगे। अच्छा अंदर कितने ज़्यादा मज़े करने वाले? बहुत ज़्यादा, वो डिपेंड करता है कौन कौन है मेरे, कौन कौन से दोस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन नॉमिनेटेड है, सो यार डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू शो। दोपहर का स्लॉट है, दोपहर में रेड कार्पेट वॉक करके कैसा लगता है? क्यों दोपहर वाले रेड कार्पेट नहीं वॉक करते? अच्छा ऐसे? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा था रात को आऊँ, बट फिर शुरुआत से आके मज़े लेते हैं यहाँ पे, सो या अच्छा लग रहा है। थैंक यू। क्या बोल रहे एक्साइटेड, अभी तो एक दो दिन बचे हैं तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लगता है इंतज़ार के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पिछले दो तीन महीने में, काफ़ी करेक्ट रूप में शूट किया है तो, मार्च में, और काफ़ी शूट करके हम लोग आ रहे हैं, तो अब देखना ये चाहते हैं कि रिजल्ट क्या है, लोग कैसे पसंद करते हैं इसको, तो अब दो दिन तो बाकी हैं तो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट देयर। नहीं ऐसा नहीं है, वो परफॉर्मेंस कर रही है तो वो शायद उसके रिहर्सल्स और वो सब चेक्स वगैरह कर रही है। ये माँ की बिना कभी आ सकती है? हम लोग का हमारा जो यूनिट है बहुत मजा हुआ है, हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, इन्जॉय भी बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हंसी मजाक का तो वातावरण होता ही, अभी अंदर जाके देखते हैं कि किसकी नकल उतारेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखते हैं। Indian version of Spider-Man. Wow, I never saw that. Thank you so much.
थैंक यू थैंक यू.